हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। देखिए, क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस मैं आज लेने वाला हूं जो क्वेश्चंस आते हैं जिन पर और कंफ्यूज कर देते हैं कई बार कि ये क्वेश्चंस जो है वो कैसे होगा, इसमें किस तरह का मेथड यूज करेंगे हम। देखिए, इससे पहले की जो क्लास थी कैलकुलस की, जो समाकलन की जो पहले क्लास थी, उसमें ऑलरेडी 3 क्लासेज जो है वो हो चुकी है। यानी जो क्लास फर्स्ट थी आपकी, उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, तो वो आप जरूर एक बार देखें उसको। क्लास सेकंड जो थी, उसमें जो टिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हैं इंटीग्रेशन में आएंगे तो कैसे उनको सॉल्व करना है, और इनवर्स टिग्नोमेट्री के फंक्शन अगर आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हम इजिली उनको सॉल्व कर सकते हैं, उस पर क्लास थी, तो उसको आप जरूर देखिए। और उस क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, स्पेशली टिग्नोमेट्री और इनवर्स टिग्नोमेट्री बेस्ड, वो मैं करवा चुका हूँ। फिर उसके बाद में क्लास थर्ड आपकी हो चुकी है, जिसमें क्लास थर्ड में पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम कर चुके हैं। यानी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम देख चुके हैं, उस मेथड को हम देख चुके हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, किस तरह से हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्लासें पहले कवर हो चुकी है, तो इनको एक बार आप जरूर जाके देखें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज देखिए, कुछ ऐसे पर्टिकुलर केस लेंगे हम, ऐसे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हम यहाँ पर लेने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिन पर क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, क्यों आप कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे नहीं आते, इसमें हमें कुछ अपनी तरफ से यानी कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ हम परिवर्तन उनमें करेंगे पहले, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उनको पहले बनाएंगे और फिर उसके बाद में उनका इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा, तब उनका जाकर समाकलन जो है वो संभव हो पाएगा, इससे पहले उनको सॉल्व नहीं करा जा सकता। देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, वो हमें अच्छे से याद कर लेने हैं, और इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है, उसे हमें बनाना है। जैसे ही वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, उसको चाहे हम परफेक्ट स्क्वायर करके यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या और दूसरे मेथड से, जैसे भी पॉसिबल हो सके, इन स्टैंडर्ड मेथड्स की या स्टैंडर्ड जो आपके पास में फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। और जब वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्यापक रूप में जब वो परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तब हम उनका इजिली इंटीग्रेशन समाकलन कर देंगे। ओके तो देखिए, इसमें पहला आपका आता है जो हम बार बार कर चुके हैं, 1/a² + x² है, जो टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, 1/a tan−1 x/a। दूसरा 1/a² − x² है इंटीग्रेशन में, तो 1/2a a + x और a − x है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। फिर अगला थर्ड फॉर्मूला है 1/x² − a², अब की बार माइनस में ए है, तो यहाँ पर देखिए x − a/x + a आएगा, ये भी याद रखना है। एक्चुअल भी इसके फैक्टर करके हम कर सकते हैं इसको, ये किया कैसे है, ये पार्शियल मेथड से ही किया है, कोई अलग नहीं है, इसको 1/x − a और x + a लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं, a/x − a और b/x − x + a, इस तरह से लिख करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद में इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैं कवर करवा चुका हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सीक्वेंस से चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ओके, अगले देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है, रूट में है आपके पास में, 1/, अब की बार रूट में आ गया, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो रूट में है, a² + x², यहाँ पर x जब प्लस का आ रहा है आपके पास में, तो ये लॉग की टर्म बनेगी, इसको याद रखनी है भाई। अगर ये साइन इनवर्स हाइपरबोलिक की एक टर्म भी बनेगी, बट अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ज़्यादा यूज नहीं होती है, ज़्यादा हम ये लॉग वाली टर्म है वो ही यूज़ करेंगे, तो ये याद रखनी है, लॉग x + √a² + x². अगर आपके पास में यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो साइन इनवर्स का होगा, जो हम बार बार कर चुके हैं। ठीक है, इसकी जगह 1 भी आ जाता है कई बार, जैसे 1 − x² आ गया इंटीग्रेशन dx, तो इसका मतलब भी क्या है, ये साइन इनवर्स x + c है, जो हम कर चुके हैं पिछली क्लासों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देखो कुछ और, जैसे अब वो सारी टर्म्स जो थी आपके पास में वो सब 1/ में थी, यानी आपके पास में एक डिनोमिनेटर में वो सारी टर्म्स आ रही थी। अब अगर आपके पास में इस तरह से टर्म आ जाए नेक्स्ट आपके पास में 1/, जैसे ये आपके पास में एक टर्म है √a² + x², तो इसको भी याद रखना है, इसका फॉर्मूला एज इट इज, इसका जो फॉर्मूला है वो भी हमें याद रख लेना है, इसको ऐसा कैसा याद रख लो भाई, x/2 √a² + x² + a² / 2 log x + √a² + a।
एक्स स्क्वायर। इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। अगला देखो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जब माइनस ए स्क्वायर आ गया आपके पास में तो ये साइन इनवर्स में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना भाई। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है हम बार बार जैसे एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है ये। अगला है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अब मैं थोड़ा सी ट्रिक बताता हूँ इनको याद रखने की कि माइंड में कैसे हम इसको सेट कर लें। तो माइंड में जब सेट हो जाएगा तो याद रहेगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जब आपके पास में यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है और एक्स यहाँ भी पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो टर्म जो आएगी वो लॉग की आएगी। पहली तीनों टर्म तो एक जैसी है, देखो एक्स बाय टू अंडर रूट जो भी यहां दे रखा है वो ऐसा कैसा लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहली वाली जो टर्म है वो तो सब एक जैसी है। यहां ये ध्यान रखना कि जैसे एक्स स्क्वायर यहां पॉजिटिव आ गया यहां भी पॉजिटिव आ गया तो दोनों टर्म लॉग में आ गई। एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर जब नेगेटिव आएगा तो ये साइन इनवर्स में आ जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर यहां पर नेगेटिव आया है तो ये साइन इनवर्स में टर्म आ गई है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऐसे हम थोड़ा ध्यान रख करके सेट कर लेंगे माइंड में तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं होगी। ओके तो ये बेसिक जो सिक्स फॉर्मूले हैं इनको याद रखना है। थ्री जो है वो आपके पास में वन अपॉन में आ रहे हैं वो याद रख लेना है थ्री, और ये थ्री जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास में है सीधे फॉर्मूले हैं, ये कोई आपके पास में फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ आप देख पा रहे हो, इजी क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है dx अपॉन, ये dx है dx अपॉन यहाँ पर dx अपॉन वन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडररूट एट माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वन अपॉन अंडररूट एट को क्या लिख लें, एट को हम क्या लिख लें रूट एट का होल स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। और माइनस यहां पर है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। ओके तो अब देखो ये क्या बन गया आपके पास में, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया अंडररूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो साइन में है, बस सीधी सी बात याद रखो। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला आएगा जो आपके पास में वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स, और इसकी जगह आ जाएगा रूट एट प्लस सी। रूट एट को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स बाय टू रूट टू लिख लेते हैं और प्लस सी, ये आपके पास में आंसर आ गया। तो चेकआउट करो कौन सा है आपके पास में, आंसर सी है यहां पर। ओके जो आपके पास करेक्ट है। ओके तो ये इजी है, आराम से समझ में आ गया, ठीक है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, जैसे यहां पर जो एट था उसको ए स्क्वायर बना लिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, व्यापक रूप में बना लो। व्यापक रूप में जब आप उसको बना लोगे तो आसानी से फॉर्मूले हैं वो रख करके हम उसका समाकलन कर देंगे, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं तो उनको हमें करने में आसानी होगी। जैसे ये देखो क्वेश्चन, अब जो सेकंड का क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वन अपॉन सॉल्यूशन देखते हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं वन अपॉन अंडररूट सेवन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और डीएक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ में फाइव आ गया तो सबसे पहले इस फाइव को बाहर लो, तो ये वन अपॉन रूट फाइव आ जाएगा बाहर आकर के, और ये आ जाएगा आपके पास में अंडररूट सेवन बाय फाइव और माइनस का एक्स स्क्वायर और डीएक्स, ये टर्म आ गई। ओके तो इसको ऐसे लिख लेंगे वन अपॉन अंडररूट फाइव, तो ऐसा कैसा रहने दो, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट इसको भी क्या लिख लें रूट सेवन बाय फाइव टू होल स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको भी आप ध्यान से देखोगे तो वही फॉर्मेट बन गया जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपके पास में, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस यही होता है, तो वही वहां पर वापस से बन गया। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा वन अपॉन रूट फाइव, तो बाहर ऐसा कैसा रहने दो, साइन इनवर्स आ गया आपके पास में x की जगह x है और a की जगह क्या आ जाएगा रूट सेवन बाई फाइव आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। इस रूट फाइव को ऊपर ले जाएंगे अगेन, तो ये रूट फाइव इज रूट फाइव से कैंसिल आउट मत कर देना भी जल्दबाजी में, ठीक है, निकल तो जाएगा आंसर, क्योंकि ये इसका पूरा थीटा है एक्चुअल में, जिसका एंगल है ये पूरा साइन इनवर्स के साथ में, सॉरी एक वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ठीक है, थीटा तो पूरा ही है।
तो साइन इनवर्स इसको ऊपर ले जाते हैं, रूट फाइव और एक्स आ जाएगा और रूट सेवन नीचे आ जाएगा, ये पूरा इसके साथ में है प्लस सी ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, चेकआउट करो कौन सा आंसर सही है इसमें, वन बाय रूट फाइव और ये आ गया, ये वाला आ रहा है, आंसर डी आ रहा है इसका, आंसर डी जो है वो राइट है। ओके, तो इजिली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चेकआउट कर लो एक बार, देख लो जल्दी से, रिव्यू कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में है, यहां पर इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास में, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। थोड़े से क्वेश्चन मैंने लिए हैं एक बार के लिए, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। इसको भी देखो कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं इसको, तो यहां पर देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और अंडर रूट में आपके पास में यहां देखो, सबसे पहले जब भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाए और टू एक्स या एक्स की टर्म और आ गई साथ में, कॉन्स्टेंट नहीं आया है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, क्या करेंगे इसको, यहां पर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए साथ में कवर करेंगे दोनों को ही, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड पिछले क्लास में मैं करवा चुका हूं, कैसे करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट यानी गुणांक को क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव वन बनाना है, प्लस वन बनाना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, एक्स के कोफिशियंट को, एक्स के कोफिशियंट का हाफ यानी आधा, एक्स के कोफिशियंट का हाफ यानी आधा, ठीक है, आधा करना है और उसका स्क्वायर कर देना है, हाफ करके क्या करना है, उसका आधा करके उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है और घटा देना है, ठीक है, प्लस कर देना है और माइनस कर देना है, ठीक है। इतना काम करेंगे अपने आप हो जाएगा, देखो। तो सबसे पहले माइनस इसमें से कॉमन ले रहे हैं, माइनस बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है सर, माइनस बाहर भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते बच्चा, माइनस अगर बाहर लोगे तो गलत हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, रूट से कभी भी माइनस बाहर नहीं लेना है, फंक्शन हमेशा रियल वैल्यूड होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो माइनस को अंदर ही रखना है, बट इस एक बार इससे पूरे से बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का टू एक्स बन जाएगा, ये हो गया पहला काम, हो गया सर पहला काम तो कर दिया, अब क्या करें। तो भाई पहला काम आपका हो चुका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव वन बन चुका है, अब एक्स के जो कोफिशियंट है उसका हाफ करो, यहाँ पर टू है, टू का हाफ क्या होगा, वन, वन का स्क्वायर वन ही रहता है, तो वन ऐड कर दो और वन माइनस कर दो, ठीक है, ये लो भाई कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है सर, वन अपॉन अंडर रूट माइनस, एक बार बाहर ही रहने दो, यहां ध्यान से देखो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर बन गया है आपके पास में, माइनस का वन और डी एक्स। अब क्या करेंगे सर, इतना कर लिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस माइनस को अंदर ले जाओ वापस से, जो माइनस आपने बाहर लिया था उसको वापस अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो वन माइनस ये आ जाएगा एक्स माइनस वन टू होल स्क्वायर डी एक्स। और इसको भी क्या करें, चुपके से ऐसे लिख देते हैं बस एक बार समझने के लिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस एक बार लिख दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही तो बन गई है ना। तो देखो बच्चा वही तो बन गई है आपके पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम ले रहे थे बार बार काम में, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है ये, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है, बस हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का है, तो यहां भी क्या करेंगे, साइन इनवर्स एज इट इज, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा और वन की, ए की जगह वन है, प्लस सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका। चेकआउट करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाला है नहीं है, ऑप्शन बी वाला भी नहीं है, लोग आ रहा है, तीसरा भी नहीं है, लोग आ रहा है, थर्ड व फोर्थ देखो, फोर्थ में आ रहा है साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, डी, डी आपका सही और करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन दे रखा है आपको रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले x प्लस सी थ्री आ रहा है ऊपर या सी भी कुछ भी हो, तो इसका कॉन्स्टेंट टर्म है, लीनियर इक्वेशन आ रही है, सेपरेट कर दो बस, दोनों को सेपरेट करो और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे,
एक्स को एक बार साथ में रख लो और अपॉन इसको एक्स स्क्वायर प्लस फोर और डी एक्स ऐसे लिख लो, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दू। थ्री कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख लूंगा, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ये लो भी हो गया। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दो अलग अलग टर्म बन गई मेरे पास इंटीग्रेशन की, तो पहले वाले को अलग तरीके से करेंगे, दूसरे वाले को अलग तरीके से करेंगे। तो ऊपर एक्स है तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी टर्म को मैं यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, इस पूरी टर्म को मैं टी स्क्वायर रिज्यूम कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन ले आता हूं। क्यों ले आऊंगा सर, क्योंकि मुझे x ऊपर चाहिए, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2x मुझे मिल जाएगा, और रूट जब भी आए तो टी स्क्वायर कर लेना, रूट नहीं हो तो ओनली टी भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर 2x आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2t dt, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू t dt, ये टर्म आ गई। तो x dx जो ऊपर वाली टर्म थी वो पूरी की पूरी हमें मिल गई है। तो इसको मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो टी डी टी लिख लेते हैं, और अपॉन में जब मैं रूट में टी स्क्वायर यहां पर पुट करूंगा रखूंगा तो क्या आएगा, टी ही आ जाएगा, तो ये टी और टी तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा मेरे पास में ओनली डी टी। इसका भी देख लेते हैं इधर, इस साल क्या चल रहा है, इस साइड क्या होगा वो भी देख के चलते हैं। चलो प्लस थ्री ऐसा कैसा, इसको मैं लिख लेता हूं वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसको टू का स्क्वायर लिख लेते हैं, फोर का मतलब होगा टू का स्क्वायर, एक ही बात है, आसान है, कोई इशू नहीं है। तो टू का स्क्वायर रखोगे तो ये आइडेंटिटी बन गई अपने पास में, किसकी आइडेंटिटी बन गई, देखो जो हमने पढ़ी थी यहां पर, याद है आपको ए स्क्वायर, ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला बन गया जो हमने अभी पढ़ा था, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने कहा था लोग जब भी एक्स स्क्वायर जब भी प्लस में आए तो क्या करना है, लोग में आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर जब भी पॉजिटिव आए तो लोग में आएगा, देखो ये लिखा हुआ फॉर्मूला बताया था मैंने, एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो लोग एक्स प्लस आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होगा। तो इससे इसको रिप्लेस यहां पर हम कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, थ्री एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन चलो हटाई देते हैं अब, तो क्या काम इसका, तो थ्री लॉग आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और a की जगह यहाँ पर 4 है तो 4 रख दो, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर t हो जाएगा, इसका क्या चल रहा है यहाँ पर t हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस रख दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो पूरा का पूरा आपके पास में सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वाली टर्म और प्लस ये वाली टर्म, थ्री लोग एक्स प्लस अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का सी, ये आ जाएगा आंसर। चेकआउट करो कौन सा आंसर है यहाँ पर, पहले वाला है नहीं है ऑप्शन, सेकंड, हाँ सेकंड आ रहा है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, प्लस थ्री लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। ओके ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको एक बार आप राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स जरूर बनाते चलना है अभी साथ में, ये ध्यान रखना है कि नोट्स आप साथ में कैरी करें, नोट्स उसको बनाएं, इसी तरह से पढ़ें जैसे आप फिजिकल क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ऑनलाइन का मतलब ऐसे नहीं है सिर्फ बैठ करके देखते रहना है, ठीक है। नोट्स आप बनाते चलेंगे साथ में तो आपका एक तो लिखने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लिखोगे तो याद भी होती जाएगी चीज़ें साथ में। ओके चलिए आगे चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लेता हूं, देखो मैं कुछ और एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन लेते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम, ये तो मैंने इससे रिलेटेड ले लिए, और हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कवर करते हैं। देखो मेरे पास में बुक है और उस बुक से ही मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं यहां पर, और फिर उसके बाद में एक लैम्डा म्यू थ्योरम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, ये है आपके पास में अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस का 10 dx, ये क्वेश्चन। तो देखो इसको क्या करेंगे, वही यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट, यहां पर सबसे पहले क्या करना है, बताया था मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप कर रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को प्लस 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले 3 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर 3 बाहर अकेला नहीं आएगा, रूट आएगा साथ में, रूट आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा 13/3x आ जाएगा माइनस का 10/3 और dx, ये टर्म आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, यहां पर आ जाएगा रूट थ्री एज इट इज आ जाएगा,
और अंडररूट में यहां पर देखो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होती है जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो एक्स के मल्टीपल का हाफ, एक्स का मल्टीपल यहां पर क्या है 13/3 है, तो इसका हाफ करोगे बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169/36, तो ये लिख दो यहां पर, तो ये आ जाएगा 13/3x प्लस का 169/36 लिख लो यहां पर, और इसी को माइनस कर दो 169/36 और माइनस का 10/3 और dx, ये टर्म आ गई। इंटीग्रेशन इसको मैं 1/√3 को तो मैं बाहर लिख लेता हूं, चलो थोड़ा सा सोल्व हो जाए इस, ये टर्म पूरी की पूरी क्या बन गई, देखो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो अपने पास में एक स्क्वायर बन गई है, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस 13/6 टू होल स्क्वायर, ठीक है ये बन गई। इसको ऐड कर लो, इसका एलसीएम ले लो, माइनस बाहर ले लो, एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा आपके पास में 12, तो माइनस का और प्लस का 120 आ जाएगा आपके पास में, 12 आएगा और यहां पर ये टर्म आपके पास में आ गई है, तो इसको और लिख लेते हैं dx 1/√3 एज इट इज, और 1/ इसको एक बार और ठीक करके लिखते हैं और फिर अपना फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हम कर पाएंगे, तो 13/6 टू होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया 289/36 बन गया आपके पास में dx। इसको मैं क्या लिख लूंगा 1/√3 एज इट इज, 1/ यहां पर जो टर्म बनने वाली है उसको ध्यान से देखो, x प्लस 13/6 टू होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में इसको देखो ये आ जाएगा 17/6 टू होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका बन गया, देखो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया है जो हम पढ़ते आए हैं बार बार अंडररूट, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, जब भी एक्स प्लस में आए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था एक्स लॉग में आ जाएगा एक्स प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो बस ये लिख दो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा अपने आप, 1/√3 एज इट इज, लोग लिख लिया मैंने, x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह पूरा लिखोगे x प्लस 13/6 ये लिखना है, माइनस और प्लस सॉरी अंडर रूट, और ये जो टर्म आप लिखोगे इसकी बजाय ये पूरी ये लिख दो, क्योंकि इसी को तो हमने चेंज किया है, कोई अलग नहीं, इसी को हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो ये पूरा लिखने के बजाय आप सॉल्व करोगे बाद में, तो इससे अच्छा यही लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस का 10 और प्लस सी, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इजीली, जिसमें इन क्वेश्चन का यानी इन जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उनका हमने यूज किया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ना, थोड़ा और आगे चलें, एक टॉपिक और पढ़ते हैं, चलिए अभी के लिए इसमें तो इतना ही रखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है उसको भी कवर करते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। देखो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पास में, कुछ फॉर्मेट ऐसे आएंगे जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू, ऊपर मान लो आपके पास में आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट में आपके पास में कोई टर्म आ रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इस तरह की, या फिर ये बिना रूट के भी आ सकती है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आ रही है, मान लो इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है। इस तरह का फॉर्मेट जब आ रहा है आपके पास में और उसमें क्या हो रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर हम बना रहे हैं तो ऊपर भी यहां पर आपके पास में पीएक्स प्लस क्यू की टर्म, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं, यानी डायरेक्ट आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करोगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसके लिए एक लैम्डा म्यू थ्योरम पढ़ेंगे, लैम्डा म्यू थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होती है लैम्डा म्यू थ्योरम, कि जैसे आपके पास में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर, हिंदी में भी लिख के चलता हूं मैं, अंश और हर में अगर आपको मान लो कोई इस तरह से दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा ऐसा कैसा, ठीक है, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव करोगे आप यहां पर डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसका डेरिवेटिव कर लिया आपने यहां पर,
ठीक है, और प्लस आपके पास में यहां पर जो आपके पास में म्यू है वो आपने रख दिया। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करने की बजाय इसको सॉल्व कर देंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इसका समाकलन हम कर देंगे और आसानी से हो भी जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वन अपॉन और रूट में है ये, वन अपॉन नहीं लेकर के ये लेते हैं x प्लस टू है आपके पास में, और ये है अंडर रूट में साथ में, और टर्म है आपके पास में टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5 और dx, ये टर्म आपके पास है। तो देखिए अब जब आप इस सीधा इसको सॉल्व करने जाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा नहीं, ठीक है, और प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले लैम्डा म्यू थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर x प्लस टू, इसको एक बार रूट यानी इंटीग्रेशन टर्म से बाहर लिख लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं लैम्डा डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास में अंडर रूट के अंदर की टर्म है, सिर्फ उसी का डेरिवेटिव आपको करना है, पूरे का नहीं करना, टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस म्यू। देखिए आगे करते हैं सॉल्व इसको, क्या आ रहा है आपके पास में लैम्डा, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आपने यहां पर किया तो ये आपको मिल गया 4x प्लस का 6 और प्लस म्यू, ठीक है, ये टर्म आपको मिल गई। ओके अब क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे, जैसे यहां पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो स्टैंडर्ड टर्म अपनी चल रही थी उससे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी क्या चल रही थी, x प्लस टू अपॉन अंडर रूट से दोनों को डिवाइड कर देंगे यहां पर रूट, तो मेरे पास में है टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 चल रहा है, और इज इक्वल टू लैम्डा, और आपके पास में यहां पर आ गया 4x प्लस 6 और प्लस म्यू। इस पूरी टर्म को भी क्या करो, यहां पर इसी टर्म से डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, और इसको आप कंपेयर करेंगे यहां पर, तो x प्लस 2 एज इट इज, यहां पर 4x लैम्डा और प्लस 6 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। यहां क्या करोगे, कंपेयर करोगे बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड यानी तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों की तुलना यहां पर करेंगे, तो x की जो टर्म है उसको x से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, तो x का मल्टीपल 1 है और यहां पर आ जाएगा 4 लैम्डा, यहां पर 2 है तो इसको लिख लेंगे 6 लैम्डा प्लस म्यू। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई आपके पास में, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस, और इसमें रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी और प्लस का म्यू आ जाएगा, तो यहां से म्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो 2 - 3/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 बचेगी आपके पास। कई बुक्स में लैम्डा और म्यू की जगह ए और बी भी ले हुआ मिल जाएगा आपको, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, एम और एन भी लिया हुआ मिल जाएगा तो उसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड एक ही है, ठीक है, सिर्फ अलग अलग यहां पर जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको अलग अलग ले लिया। अब देखिए जो यहां पर ये इक्वेशन वन है, इसमें आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट अभी की है ये आप ले जा करके इसमें रख दो, ठीक है, और फिर इसको अलग अलग सेपरेटली हम सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई है अपने पास में, 1/4 आई है, और इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दो तो यहां से आपके पास में जो टर्म आई है वो हट जाएगी। ऊपर क्या टर्म थी आपके पास में, यहां पर 4 के पास देखो एक बार, यहां पर 4x प्लस 6 थी, तो ऊपर तो लिख लो यहां पर न्यूमिनेटर में 4x प्लस 6, और अपॉन में अंडर रूट में वही टर्म चल रही है, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx, इसको लिख लो, प्लस म्यू की वैल्यू क्या निकाली है हमने, म्यू की वैल्यू 1/2 निकाली है, तो 1/2 एज इट इज लिख लो, और यह आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व करने की बजाय इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो दोनों को सॉल्व करते हैं तो एक काम करते हैं, हम इसको i1 अज्यूम कर लेते हैं और इसको i2 अज्यूम कर लेते हैं, i इज इक्वल टू, दोनों को i1 और i2 यहां पर कंसीडर कर लेते हैं,
तो सबसे पहले आई वन को अलग ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं 1/4, फिर दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में जाकर के। इसको एक बार आप इक्वेशन 2 दे सकते हो नाम, ठीक है। तो ये 4x+6 अपॉन आपके पास है अंडर रूट में 2x² + 6x + 5 और dx। तो यहां देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये इसी का डेरिवेटिव ही तो किया था हमने, ये पूरी की पूरी टर्म का डेरिवेटिव किया था, तो एक टर्म तो कंफर्म आपको एक ही काम करना है कि रूट में जो भी है उसको टी स्क्वायर जूम कर लेना है। तो यहां 2x² + 6x + 5 = t² जूम कर लेना है यहां पर। तो यह आ जाएगा 4x + 6, ऊपर वाली टर्म आएगी क्योंकि यही हमने इसको सॉल्व किया था पहले ही, वही टर्म है। तो ये 1/4 एज इट इज रहने दो और इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, 2t dt लिख लोगे और नीचे वाली टर्म t आ जाएगी अपने आप ही रूट के अंदर रखोगे। तो ये t और इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, तो 1/2 रूट ये dt आ गया, तो 1/2 और ये t + c आ जाएगा। तो 1/2 और t की वैल्यू क्या है वो एज इट इज रख दो अंडर रूट में 2x² + 6x + 5, ओके, और प्लस सी या c1 आप एक बार ले लो इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो ये आपके पास में i1 का जो है वो सॉल्यूशन आ गया, i1 आ गया मेरे पास में पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं i2 को भी सॉल्व कर लेता हूं। i2 को कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां देखो i2 क्या है मेरे पास में, अंडर रूट ऑफ 1/1/2 बाहर है जो हमने म्यू की वैल्यू निकाली थी, और ये आ जाएगा 2x² + 6x + 5 और dx। अब देखो जब भी आपके पास में px+q ऊपर आ रहा था न्यूमिनेटर में, अंश में आ रहा था, तो इसलिए हम उसका क्या कर रहे थे यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे थे, सोल्व नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमने क्या कर लिया यहां पर इसको। अब यहां आप न्यूमिनेटर में देखोगे कि 1 है यहां पर, तो अब हम वो फॉर्मेट वो फॉर्मूले स्टैंडर्ड वाले यूज कर सकते हैं। देखो उनमें कहीं भी आप ये देखोगे कि न्यूमिनेटर में या अंश में कोई भी टर्म नहीं थी, 1 था सिर्फ, ठीक है। स्टार्ट में देखोगे, देखो स्टार्ट में हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं मैं एक बार लेके चलता हूं आपको उन पे। तो यहां देखो कहीं भी आपको दिख रहा है आपको यहां सिर्फ 1 1 है कहीं भी, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ा, और उस हटाने के लिए हमने क्या किया यहां पर लैम्डा म्यू थ्योरम यूज की, ओके। तो अब यहां पर वापस कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, तो अंडर रूट से वही यहां पर x² के कोफिशियंट को +1 बनाना है, तो 2 बाहर ले लेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट यह आ जाएगा x² + 3x हो जाएगा और ये +5/2 dx आ जाएगा सिंपली, 1/2 √2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ अंडर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप, पहली स्टेप क्या करते हैं हम कि x² के कोफिशियंट को +1 बनाएंगे। अब अगली स्टेप क्या रहेगी अपने पास में, x के कोफिशियंट को, यानी जो x का कोफिशियंट है उसका हाफ करेंगे, तो ये x का कोफिशियंट 3 है तो 3 का हाफ 3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 आप ले जाके ऐड कर दो और 9/4 को ही माइनस कर दो, और प्लस का 5/2 एज इट इज है dx, यहां आ जाएगा 1/2 √2 एज इट इज आ जाएगा। और अब देखो यहां पर यहां से यहां तक की जो टर्म है वो क्या बन गई है, एक स्क्वायर बन गई है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1x + 3/2 2 होल स्क्वायर मैं इसको लिख लेता हूं। और इसको देखो यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये 9 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो ये भी माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस की टर्म हो गई, ठीक है, 2 आ जाएगा और ये 19/4 आ जाएगा dx। तो यहां से 1/2 √2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, एक बार और लिख लेते हैं इसको, x + 3/2 2 होल स्क्वायर। एक एक स्टेप में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस आ जाएगा और ये 1/4 आएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं बस सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में आ गई है टर्म, ठीक है। तो हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं अभी लिखता हूं यहां पर, याद आ जाएगा आपको जल्दी से कि 1/√x² + a² मैंने अभी बताया था कि जब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो लॉग में टर्म आएगी, यानी आ जाएगा log x + √x² + a² + c, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो वही अपने को यहां पर क्या करना है, तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है, 1/√2 आ जाएगा और इसकी जगह मैं लिख लूंगा log, x की जगह क्या लिखोगे x + 3/2 लिख लोगे प्लस, और इस पूरी टर्म की जगह आप स्टार्ट वाली जो टर्म है वो लिख दो बस, 2x² + 6x + 5 ये लिख दो प्लस सी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 और इसको c2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया i2 आपके पास में, तो i1 भी आ गया और मेरे पास में i2 भी आ गया, दोनों सॉल्व हो गए i1 और i2, और इन दोनों को ले जाके आप ऐड कर दो तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो आज की जो अपनी क्लास रही है इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो ये कि जो बेसिक जो फॉर्मेट्स हैं आपके पास में, बेसिक कंसेप्ट है, कुछ व्यापक रूप है, उन तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो उनमें हम पहले उनको कन्वर्ट करेंगे व्यापक रूप में, फिर उसके बाद में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमने जो 6 फॉर्मूले पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए पूरे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने लैम्डा म्यू थ्योरम या ए और बी थ्योरम भी इसको बोल देते हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने देखे हैं आज, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर्स के दोनों ही मेथड पर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।